नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है यहाँ पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रूपा जी से कि कृषि फसलों का बाजार कैसा रह सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले MCX कॉटन से। रूपा जी देख रहे हैं कॉटन में आज MCX पर बढ़त देखने को मिल रही है। MCX कॉटन 44,800 पर ट्रेड करती नजर आ रही है और जो सबसे लेटेस्ट वायदा है उसमें 45,000 का आंकड़ा MCX कॉटन दिखा चुकी है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या अब यहाँ से MCX कॉटन 45,000 के बाद और भी जाती हुई आगे और जाती नजर आ सकती है? क्या MCX कॉटन यहाँ से अब 50,000 का भी लेवल दिखा सकती है? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, फिर भी आ जाए। अभी 50,000 का लगे तो नहीं कह सकते, 45,000 के ऊपर निकलता है तो 46,000-48,000 तक की तेजी की तरफ जा सकता है, लेकिन सस्टेनेबल तेजी नहीं है। ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बाई कंडीशन बनानी थी। ऑलरेडी ऊपर है काफी प्राइसेस, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में प्राइसेस रैली की तरफ जा सकते हैं, वही करेक्शन भी बनी रह सकती है। तो फिलहाल के लिए कॉटन में मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए। प्राइसेस तेज है, प्राइसेस पर जो भी अपसाइड आ रहा है उसमें निकालते रहे माल। और अच्छी बात है कि अभी यहाँ पर प्राइसेस अगर 45,000-45,500 तक सस्टेन होते हैं तो एक और पॉजिटिव जो है मार्केट क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है, जिससे 5-7% की तरह अपसाइड जो है बनती है, तो आप वहां पर भी अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जी। इसके साथ रूपा जी बात की जाए यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल 2800 के बाद यहाँ से नीचे में 2700 या 2600 तक भी जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बिनौला खल में गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी कॉटन में थोड़ा तेजी आ रही है तो सपोर्ट है, मार्केट गिर नहीं आया, 2800 के ऊपर अभी निकला है। और अभी मुझे लगता है की 2920-2940 के मैक्सिमम 3,000 तक की तेजी में भी जा सकता है, लेकिन वही सस्टेनेबल नहीं है। ऊपर और नीचे अगर लेवल अब 2800 के नीचे लगा तो 2600 तक की गिरावट बन जी। रूपा जी, हमने पशु चारे की यहाँ पर कीमतें बढ़ते हुए देखी हैं, कैटल फील्ड, एनिमल फॉडर सबके जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, दूध की भी प्राइसेस बढ़े हैं, तो ये जो फंडामेंटल्स हैं ये बिनौला खल में सारे के सारे तेजी वाले हैं, तो ऐसे में वायदा में बिनौला खल में क्यों गिरावट आ रही है जबकि तेजी आनी चाहिए थी? देखिए, ऑलरेडी मार्केट के अंदर अच्छा बन चुका था, ऑलरेडी हमने प्राइसेज ऊपर जाते हुए देखी है। अभी लेवल के ऊपर डिमांड नहीं निकली जिसकी वजह से प्राइसेज नीचे है और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। अगर इससे डिमांड पिकअप होती है तो फिर डेफिनेटली प्राइसेज पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल के लिए इन लेवल के ऊपर हो सकता है 250 के आसपास सपोर्ट आ गया हो, मार्केट में आता हुआ हमें दिखाई दे। यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर जाए 250-300 के बीच में, फिर आपको 3,000 तक की तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आए, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी में नहीं है क्योंकि लेवल इन लेवल के ऊपर डिमांड अभी फिलहाल निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही जी। ये सर जी बात की जाए अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड देख रहे हैं आज भी 7192 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है, अगर कैसे सीड 7200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो क्या फिर तेजी आ सकती है? पूरी कैप्चर में अभी फिलहाल कोई रुझान नहीं है तेजी का, अभी ये सीमित दायरे में है और ये सीमित दायरे में बना रह सकता है। 7000 से लेकर 7200-7300 मैक्सिमम इस रेंज के बीच में फिलहाल मार्केट में जी। ये सर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि ग्वार गम का मई वायदा 12,700 के पास है और ग्वार सीड 6400 के पास। रूपा जी क्या लगता है, क्या अब ग्वार गम ग्वार सीड में यहाँ से अच्छी तेजी आने वाली है? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही मार्केट तेजी की तरफ नहीं है, और अगर 13,000 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तब आप इसमें लंबी तेजी मानकर चल सकते हैं कि वहां से फिर आपको 15,000 के टारगेट हो सकता है देखने को मिले। अभी के लिए मार्केट जो है 12,000-13,000 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर सस्टेन करेगा तो एक तेजी की तरफ जा सकता है जी। ये सिर्फ जी मसालों में क्या लगता है आपको, मसालों में भी देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं उनमें नरमी तो आती है लेकिन सपोर्ट भी जल्दी ले जाते हैं, ऐसे में अब मसालों में क्या यही रुख बना रहेगा आगे भी? देखिए, मसालों में भी अभी बाजार तेजी की तरफ ही है, करेक्शन के अंदर बाइंग भी रहना चाहिए, और मसालों में सबसे ज्यादा तेजी जो दिखाई देती है वो फिलहाल जीरे के अंदर हो सकता है कि आपको बाटी में दिखाई दे। जीरा अभी भी तेजी की तरफ ही है और लगातार 22,000 के ऊपर सस्टेन है, तो यहाँ से जीरे के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 23,000-23,000 तक ऊपर जा सकता है मार्केट। धनिया में मुझे तेजी लगती है, धनिया में फंडामेंटल काफी सपोर्ट किया, धनिया भी 12,000 के ऊपर सस्टेन है, तो यहाँ से
नीचे का जो लेवल होगा वो 10,000 होगा और ऊपर जो 15,000 तक का स्तर बन सकता है। वही हल्दी भी नीचे में 8,500 से लेकर ऊपर में 9,800 तक के स्तरों में गिरती दिखाई देती है। ये जी रूपा जी, एडिबल ऑयल प्राइसेस की बात की जाए तो इंडोनेशिया ने साफ कह दिया है कि वो पूरे के पूरे पाम तेल पर बैन नहीं लगाएगा, जैसे कि सीपी हो गया यानी कि कच्चा पाम तेल और आरबीडी पाम तेल, इसका जो निर्यात है वो अभी भी चालू रहेगा। इसकी वजह से हमने खाद्य तेलों के बाजार में ऊपरी स्तर से कुछ नरमी भी आते हुए देखी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो खाद्य तेलों में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा था कि खाद्य तेलों में अब किल्लत हो जाएगी खाद्य तेलों की और जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा हाइक्ड अप हो जाएंगे, तो क्या अब वैसा सिनेरियो नहीं बनेगा? ये तेजी में तो अभी भी है, मार्केट में बहुत ज्यादा विविधता रही है, हल्की तो ऐसे जरूर आई है इस तरह के चलते। और अभी देखिए ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर डिमांड पिकअप होती है तो फिर एक तेजी की तरफ ही मार्केट बना रह सकता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे प्रोडक्शन काफी कम है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला है। और अभी पाम ऑयल तो इंडोनेशिया का रूट बनना है और वही देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध से महंगाई बढ़ी है उसका भी असर अभी कीमतों के ऊपर आना बाकी है। और मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इस चीज का इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्राइसेस तेजी की तरफ बने रह सकते हैं जी। इसी रूप जी बात करें अगर अब गेहूं की, तो गेहूं की कीमतें देख रहे हैं कि यूएस वीट वायदा 1,093 पर है, अब 1,100 के करीब पहुंचने वाला है। हमने वीट की प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में भी यहाँ पे काफ़ी तेज देखे हैं, मंडियों में गेहूं के प्राइसेस एमएसपी से ऊपर बने हुए हैं और जो एक्सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अब गेहूं की डिमांड और प्राइसेस आगे कैसी बनी रह सकती है? देखिए डिमांड और प्राइसेस अभी तेजी की तरफ है और ये रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ही सिर्फ गेहूं में तेजी आई है और एक्सपोर्ट पिकअप हुआ है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी फिलहाल जो है मांग निकल रही है, एक्सपोर्ट डिमांड जब तक है तब तक प्राइसेज जो है वो भी बने रहेंगे। और अभी भी यहाँ से गेहूं के अंदर पोटेंशियल है 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए आज अगर एग्री कम्युनिटीज की बात करें तो आज एग्री कम्युनिटीज के अंदर बाजारों के अंदर मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर भी बाई में रहना चाहिए। ग्वार के साथ साथ जीरा अगर थोड़ी सी करेक्शन देता है तो वहां पर इसे बाई करके चला जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार आज कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार ही आती रहेंगी मार्केट एमसीवी पर।